अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप जोंग सिम से किस तरह बैलेंस दूसरी जोंग सिम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के डायल पैड से *828* उसके बाद आपने जोंग का नंबर लिखना है, कोई भी जिस नंबर पर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बैलेंस शेयर करना चाहते हैं, वो पूरा नंबर यहां पर लिख दें। उसके बाद फिर स्टार दबाएं, स्टार के बाद आपने जितनी अमाउंट लिखनी है वो अमाउंट लिखें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि बैलेंस ट्रांसफ़र करने वाली रकम जितनी भी आपने ट्रांसफ़र करनी है उसके बाद आपके पास ₹5 कम से कम बैलेंस होना चाहिए ताकि आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो सके। मसलन अगर आपने ₹50 ट्रांसफ़र करने हैं तो आपके पास कम से कम ₹55 टोटल बैलेंस होना चाहिए ताकि ₹50 बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद ₹5 जो आपसे सर्विसेज चार्जेस लिए जाएंगे वो भी अदा हो सकें। उसके बाद जब आप अपनी मतलूबा अमाउंट लिख चुके होंगे, जिस तरह मैंने यहाँ 50 लिखा है, तो उसके बाद आपने हैश लिखना है और फिर जोंग सिम से डायल कर देना है। आपकी सिम 1 है, 2 है, जो भी है उस सिम से आप डायल कर दें तो आपका जोंग का बैलेंस शेयर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल से *828# डायल करें तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो सिंपली आपने 1 लिख कर सेंड कर देना है तो आपका बैलेंस यहां से भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।